अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सभी होंगे। आज है फातिमा की बर्थडे, आज 1 जनवरी को होती है, वैसे तो आज 31 दिसंबर है। आज ही हम लोग कर रहे हैं क्योंकि फिर 1 जनवरी को टाइम नहीं हुआ। फिर ये है कि हम लोग के कोई कज़न नहीं आ रहे, कोई मतलब कोई भी नहीं आ रहा, बस नादिया ये लोग आए हुए हैं। अब कहीं दे रहे आपको, बस नादिया ये लोग आए हुए हैं हैदराबाद से। नादियानी ने केक बनाया है, नादियानी की तरफ से केक जो है वो गिफ्ट है नादियानी की तरफ से। हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बलून भी आ गया, सब कुछ हो गया, बस ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, मोबाइल नहीं मिल रहा था, बाकी कोई मसला नहीं था। अभी नहीं, हैप्पी ए आ गया ए और बी पे आ गया बर्थडे। कितने अंडे डालेंगे इसमें? बना रहे 16 पाउंड का, तो 36 अंडे डालेंगे। 16 पाउंड का बन रहा है, कितने का होता है ये? 36 अंडे डालेंगे इसमें, 10,000 तक के तो होगा। 16 पाउंड का केक 10,000 तक से भी ऊपर है। अब बनेगा तो और भी वीआईपी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग चेक करिएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अभी मैं थोड़ी सी क्रीम चाटने वाला हूँ, देखते हैं कैसी है। हम तो पहले केक तो सॉफ्टी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा है। अच्छा यार केक, एक और दीप चिकन दे रहे, इसमें से निकाल लिया हमने केक। कायनात ने मना कर दिया, आज मैं बहुत टाइम बाद नहाने जाया था, तो कायनात का मेरे को मैसेज आया है कि आज मैं तुम्हारे लिए पानी नहीं छोड़ूंगी, तो मैं नहाने नहीं जा सकता। पानी नहीं बचा तो नहीं नहा सकता। कायनात मुझे ऐसी गंदे हुलिये में रखना चाहती है, तो हम भी ऐसे गंदे हुलिये में सही रख लो। भाई निकल नहीं रहा है ये चावल, आगे नादियानी टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा नहीं टूटेगा, ऐसे टेंशन नहीं लो बेटा। बस आ गया बस ठीक है, उल्टा निकल जाएगा बस ठीक है बेटा। सही समझ ज्यादा जज्बाती नहीं हूं। ये लोग केक अच्छी, यहां पे दुकान पहले केक बनाते हैं, एक मैं तो बनाएगी कोशिश करूंगा, बनाना है केक बनाएंगे, सही है रोज एक केक बनाएंगे, सही है। क्रीम खत्म हो जाएगी, पानी डाल दो बस, फिर क्या करेंगे, रोज एक केक बनाएंगे, रोज एक केक बनाएंगे रोज। अच्छा सही है, एक महीने के बाद अपन दुकान खोल लेंगे, सही है ठीक है, समझ गया। रोजाना ये पैसा ही पैसा होगा, पैसा होगा भाई। यहाँ पे सारे बलून रखे हुए हैं, सारे बलून को एक को फाड़ के देखते हैं, लग गया भाई सारे के सारे, लग गया, बस ये एक रह गया था, ये भी लग गया। अभी दूसरे निकालने का, नहीं अब सारे बाहर ले जाके लगाएंगे हमारे से ये। हम लोगों ने सब कुछ डेकोरेशन वगैरह कर दिया था, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि अकेले मैं कैसे बनाता था, वीडियो सब कुछ कर रहा था मैं, और फिर ये करा और ये सारी चीज़ें, ये सब हटा गया, अकेले नहीं करा, मतलब सारा काम मैंने के सिर्फ मैं, ओ ये तो सो रहा था, ये तो सो रहा था। केक भी बन गया, केक भी दिखा देता हूँ, अंदर नहीं दिखाता, माशाल्लाह भाई यार ये नहीं करना होता यार। केक बन चुका है,
मैं अमान की व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि अमान बहुत मसरूफ हो चुका है। अमान के डॉलर आए। मैं इस चीज़ में मसरूफ हूँ। अमान साहब बहुत अच्छी चीज़ में मसरूफ हो, मैं भी इनकी मसरूफियत में मसरूफ होना चाहता हूँ। इधर खिलाओ। हाँ चॉकलेट थी, हमने सारी खा ली। चॉकलेट खिलाओ पहले, ब्लॉग पकड़ में चॉकलेट खाता हूँ। अबे यार मैं क्या कहूँगा, अबे मैं पकड़ा मर जाऊँगा। अब आप कुछ मेरी मदद कर दें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, पकड़ना यार इसे। अबे ये 16 पाउंड का केक नादिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया फातिमा के लिए, तो वो गिफ्ट है। ये फातिमा के लिए गिफ्ट है, और पिछले साल भी मैंने फातिमा को ये केक बना गिफ्ट दिया था। आज माशाल्लाह 16 पाउंड का, इससे पहले मैंने 10 पाउंड का बनाया। जैसे जैसे फातिमा बढ़ती रहेगी जैसे फातिमा बढ़ती और फातिमा के ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा केक, इसकी तरह बनेगा फिर केक इंशाल्लाह। हो रहा है, हो गया, अब सही हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे साथ जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं होता। आज मेरा पार्टनर आया हुआ है, ये मेरे साथ ब्लॉग बनाएगा। कोई कुछ बोलोगे आप? वापी भाई ये शेर भाई ले रहे हैं शॉट यहाँ पे। चलो आओ आओ, यही वाले शॉट डालेंगे। हैप्पी बर्थडे, जाओ जाओ चकिया, वही मेरी केक मैं बता रहा हूँ। बार यार किसी ने बत्तम की नहीं भाई, शेर भाई बत्तम नहीं है। हैप्पी बर्थडे, अबे भाई ये कहाँ घुस गई, ये अंदर घुस गई है सब। तो सबर, मैंने बहुत ही खिलाई, मुझे भी खिला दो, डैनियल को भी खिला दो। अरे अरे बेबी काम काम, बेबी काम बड़ा अच्छा केक है। ये सही है, आपको भी खाना है ना, मैं खिला देता हूँ। आ गया भाई मेरे पास भी आ गया। अरे हटो यार तुम, चलो किसने दिया ये? सलीम भाई ने दिया। यहाँ फोटोज भी दी जा रही हैं। वो इश्क मुर्शिद में बिचारी लड़की जेल में बैठ के यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। अरे आज इश्क मुर्शिद में इतना, मैं तो कैसा आशिक है यार। हाँ कैसा आशिक है तू? वो जेल में नर्स वर्क कर रही है, शिवरा जेल में बैठी हुई है यार। हम लोग शिवरा को पकड़ो, निकालो, ओ निकालो भाई, वो तो पहले से ही पकड़ी गई। हाँ चलो 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 प्रोटेस्ट करेंगे भाई, शिवरा को निकालो। कोई उस पर झूठी एफ आई आर डाला, मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं, एक बार मिले हो मुझे। हाँ चमाट मार के बोल रहा है, इसने चमाट मारा है, लड़की नहीं चलेगी जेल में, साफ करो। कोई वापसी शूट कर रही है। हम लोगों ने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था, और खा लिया था क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है खाना खाए हुए। खाने में पुलाव और क्या था, पुलाव और कढ़ाई बना हुआ था। हाँ कढ़ाई तो सबसे पहले मैंने ही आई थी, वो भी भूल गया। पुलाव और कढ़ाई बना हुआ था, वो खा के आराम से अलहमदिल्ला बैठे हैं। अभी हम केक का इंतजार कर रहे हैं। इसने क्या किया, जब कढ़ाई लगी ना, इसने देखा कि पहले जांच पड़ताल की कढ़ाई है कितनी और रोटियाँ कितनी है। इसने देखा कि कढ़ाई और रोटियाँ बिरयानी के मुकाबले कम है, पुलाव के मुकाबले। तो उसने जाके सबसे पहले कढ़ाई पे हाथ मारा, जब कढ़ाई पूरी ख़त्म हो गई उसके बाद बिरयानी आके खाने की हालत देखी। और जब मैं बिरयानी खाया था, जब मेरे दिमाग में आया कि यार बिरयानी तो मैं रात में भी खा सकता हूँ, लेकिन ये जो कढ़ाई है ये ख़त्म हो जाएगी अभी के अभी, रोटी भी ख़त्म हो जाएगी, तो अभी क्यों ना कढ़ाई खाई जाए और रात में बिरयानी खा लेंगे। देखा तो एक रोटी भी नहीं बची हुई थी, इसने सारी खा ली थी।
मैंने अकेले थोड़ी खाई। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है ब्लॉग के अंदर, तो ये मेरे साथ ही था, मेरा पार्टनर मेरे साथ था। अब हम लोग ब्लॉग को एंड करेंगे केक खा के, लेकिन केक बाकी है। नादिया ने केक कब देंगी? बस थोड़ी देर में मिलने वाले, रुकते हैं अभी, इंतजार करते हैं केक का। जब तक केक आता है फिर जो है हम लोग केक खा के फटाफट ब्लॉग को एंड कर देंगे। भाई केक खाना था और 1:30-2 बज गए, केक भी आ गया हमारा। केक यार मुझे तो खाने दो, आप लोग का अंदर है केक अभी, बहुत रखा हुआ है, बहुत बड़ा केक था यार। वीडियो यार अबे यार अम्मी यार मैं नहीं बना रहा ब्लॉग। बनाने का मकसद जरा भी ये नहीं है कि आपसे हमें पैसा चाहिए, वैसे मुझे पता है ये सारे मेरे गरीबी दोस्त ब्लॉग देख रहे हैं, बनाते लेकिन अगर कोई अमीर भी देख रहा है तो मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास बहुत है, पैसों में अंधा हो चुका हूँ मैं, ऐसे कमी नहीं है ना ईशा। मैं तो मम्मा से नहीं लेता, मेरे पास खुद के पास पैसे होते हैं ना, मैं सामने लेता हूँ। आप लोग ना इस खुशफहमी में जरा भी नहीं है कि मुझे आपसे पैसा चाहिए, ये सस्ता गैरिमिनाटी बनने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग को इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।